सरस्वते नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। संतों के विविध गुणों का वर्णन हम देख रहे हैं और यहां पर कहते हैं कि संत का जीवन साधनामय होता है। हर क्षण वो अपने जीवन का साधना में बिताता है। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते रहे कि हर क्षण को साधना से भर दो और हर कण को भगवान से भर दो। तो ऐसा कुछ जीवन हो जाए कि कण कण में भगवान दिखे और क्षण क्षण में साधना हुए। तो यहां पर लिखते हैं कि वो कभी जप कर रहा है, कभी तप कर रहा है, कभी व्रत कर रहा है, कभी जो है ध्यान कर रहा है, कभी इंद्रिय संयम का अभ्यास कर रहा है, कभी मन के संयम का। इस तरह वो समय को व्यर्थ गवाता नहीं है। कहा भी एक क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, आधा क्षण भी व्यर्थ न गवाए। कुछ चीजें ऐसी है जाने पर वापस मिलती नहीं है, उसमें से एक है समय। वाणी से जो शब्द बाहर निकला वो वापस नहीं आ सकता, जो हमारी आयु बीत गई है वो वापस नहीं आ सकती। तो जो भगवान ने समय हमको दिया है उसमें उसी भगवान के लिए हम समय निकाले और चिंतन करें। फिर यहां लिखते हैं गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। संत का स्वभाव है कि वह गुरु और गोविंद और विप्र सबके प्रति आदर, भक्ति, प्रेम ये वो रखता। यहाँ पर संतों ने व्याख्या की तो कहा देखो सबसे पहले गुरु को रखा है, गोविंद दूसरे नंबर पे आ गया और तीसरे नंबर पर कोई विद्वान वेदाभ्यासी। तो गुरु के बिना गोविंद का दर्शन तो होता नहीं, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल यही शब्द कबीरदास जी ने उठा लिए, गुरु गोविंद खड़े काके लागू। भगवान सामने भी हो लेकिन यदि कोई पहचान कराने वाला न हो तो हमको ज्ञान नहीं होगा भगवान का, और ज्ञान न होने का नुकसान ये होगा कि जो लाभ हमको लेना चाहिए उस लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम में और भगवान के बीच में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान स्वयं कहते हैं यदि आपको मुझको
पाना हो तो आप पहले किसी गुरु के शरण में जाइए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा और श्रद्धा दमा मयत्री दाया। देखो एक से एक सुंदर गुण है उसके जीवन में। खूब श्रद्धा है, श्रद्धा से लबालब भरा हुआ अंतकरण है। श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए तो बोले भगवान के प्रति, फिर शास्त्र के प्रति, फिर साधना के प्रति, फिर अपने ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए हम ये कर पाएंगे। ये बड़ा विषय है श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास का ही नाम है। सामान्य जो व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कहलाता है। नौकर पर विश्वास, कुत्ते पर विश्वास, घोड़े पर विश्वास, मित्र पर विश्वास, लेकिन यही विश्वास जब गुरु पे होता है तो उसको कह देते हैं श्रद्धा। भगवान पर होता है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द में एक पवित्रता है, श्रद्धा शब्द में कोमलता भी है, पवित्रता भी है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा शब्द का ही प्रयोग किया। श्रद्धावान लभते ज्ञान, विश्वासवान लभते नहीं लिखा है। तो विश्वास होना कि ये सही है, विश्वास है कि जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं ये हमको आनंद देगा, तो इसके मन में कोई भी डाउट शंका नहीं है। श्रद्धा का उल्टा जो विचार है वो है क्या, शंका, संशय। जहां संशय है वहां श्रद्धा नहीं, जहां श्रद्धा है वहां संशय नहीं। दोनों प्रकाश और अंधकार की तरफ उल्टे हैं, विरुद्ध है। तो बोले यहां श्रद्धा है इसके जीवन में। और क्षमा मयत्री दाया, क्षमा है, क्षमाशील है। ये क्षमा करने के लिए भी दिल जो है बड़ा व्यापक चाहिए, बड़ा चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़े व्यक्ति ही कर सकते हैं। विष्णु को क्या घट गयो जब भृगु मारी लात। कथा आप जानते हैं, सब देवताओं ने ये परीक्षा लेने का निर्णय किया कि सबसे बड़ी देवता, सबसे बड़े देवता कौन है। परीक्षा कैसे ली जाए, तो भृगु महाराज को कहा आप जाके लात मारो, पैर मारो। ब्रह्मा जी के पास गए, पैर मारा, बड़े नाराज हो गए ब्रह्मा जी। शिव जी भी नाराज हो गए, लेकिन विष्णु जी के हृदय में जब लात मारी है भृगु ने, तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं, बोले महाराज मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। कोई दंड नहीं दिया, कोई शाप नहीं दिया, बल्कि क्षमा कर दिया। तभी वो दोहा बना कि विष्णु को का घटी गयो जब भृगु मारे लात। विष्णु जी का कुछ घटा नहीं, बल्कि उनका सम्मान बढ़ गया। सब देवताओं ने कहा यही श्रेष्ठ है। क्षमा करने से व्यक्ति नीचे नहीं होता, बल्कि उसका कद ऊंचा ही होता है। तो संत लोग क्षमा करते हैं। सामान्य व्यक्ति तो अपराध करते ही रहता है। देखिए, क्षमा करने के लिए अपनत्व चाहिए, क्षमा करने के लिए प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। ये हमारी उंगली जो है आंख में चली जाती है तो हम क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंख भी मेरी है और उंगली भी मेरी है, दोनों में अहम जो अपनापन है। जब दांत जो है जीभ को काट लेते हैं तो दांत को हम तोड़ते नहीं है, क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिए इस पर। अच्छा, वो यदि दूसरे के दांत होते तो
दूसरे का हाथ होता तो एक क्षमा नहीं, ये तो बोले इसको दंड देना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। तो संत लोगों के मन में सबके प्रति एक अपनेपन का भाव होता है, इसलिए क्षमा का भाव। क्षमा के भी अलग अलग स्तर है, उनकी डोर बहुत लंबी होती है, बहुत देर तक क्षमा करते हैं। जब बहुत ही ज्यादा अपराध कर देते हैं और जिससे समाज को हानि होता है होती है, तो फिर तो दंड देना ही है। राम जी ने रावण को कितनी बार समझाया, छोड़ दिया, बोले ठीक है, लेकिन जब नहीं समझा तो फिर तो आक्रमण करना ही पड़ा। तो ये जो भगवान के गुण है वही संतों के गुण है, श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मैत्री। संत लोग सबसे मित्रता करते हैं। मित्र शब्द जो है इमिदा स्नेह इससे बना हुआ है, उसका अर्थ होता है स्नेह। इमिदा धातु का अर्थ है स्नेह, स्नेह मतलब पिघलना, द्रवित होना। तो इस इमिदा धातु से मित्र शब्द बना है। तो देखो, जिसके प्रति मित्रता का भाव होता है उसके प्रति हमारा हृदय पिघल जाता है कि नहीं? अरे उसके दुख को देख के भले मेरे से दुख सहन नहीं हो रहा है, उसका जाके मुझको मदद करनी पड़ेगी, मदद करनी चाहिए। तो मित्रता में बात यह होती है कि उसका सुख दुख मेरा सुख दुख हो जाता है। संत का चूंकि अंतकरण इतना व्यापक हो गया है तो सभी के प्रति स्नेह भाव होने के कारण सभी मित्र हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जा रहे थे अमेरिका, जहाज पे बैठे हैं, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके कोई मित्र है वहां, आप कहां रहेंगे? स्वामी रामतीर्थ ने बड़े प्रेम से, बड़े हृदय की गहराई से एकदम बोला, बोले आप है तो सही। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ इस एक उत्तर से, कभी उसने सोचा नहीं था कि यह हमको ही मित्र माने। बोले अमेरिका में उसने बड़ी मदद की। किसी के प्रति परायापन न होने के कारण मैत्री। भगवान राम भी देखिए मित्र बनते हैं, कृष्ण भगवान मित्र बनते हैं और बढ़िया से वो मित्रता का निर्वाह करते हैं। तो संत के जीवन में भी ये स्वभाव आ गया, मैत्र करुण एव च, भक्त के लक्षण में आया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, मित्र। मैत्री दायां, दाया मतलब दया, दया करने के लिए हृदय जो है वो थोड़ा कैसा चाहिए, द्रवणशील हृदय चाहिए। पत्थर हृदय दया नहीं कर सकता। दया तब होती है जब सहानुभूति होती है, सामने वाले की दुख की अनुभूति हमारी अनुभूति हो जाती है, उसको कहते हैं सहानुभूति। यदि सामने वाला दुखी है तो मैं भी दुखी हो रहा हूं, जब इस तरह का अंतकरण होता है तभी फिर दया भाव, दया वृत्ति जन्म लेती है। अब्राहम लिंकन का किस्सा है कि जब वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा एक सुअर जो है वो गिर गया है कीचड़ में, गए वहां पर उसको निकाला और थोड़े कपड़े गंदे हो गए, तो ऐसे गंदे कपड़े से ही वो गए संसद में। लोगों ने कहा क्या हो गया ऐसे, बोले कुछ नहीं, वो सुअर कीचड़ में गिरा हुआ था, फंसा हुआ था, उसको निकाला। सब लोगों ने बड़ी स्तुति की, बोले आपने देखिए उसके दुख को दूर किया, बड़ी दया की। लिंकन ने कहा कि वास्तव में मैंने मेरे ऊपर ही कृपा की, मैंने मेरे दुख को दूर किया,
क्योंकि उसका दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा था और मैं बड़ा ही अस्वस्थ हो रहा था, मेरा मन दुखी था। जब मैंने उसकी सहायता कर दी तो मेरा दुख जो है मन का चला गया। देखो, तो वास्तव में मैंने मेरी सहायता की, उसकी नहीं की। तो ये देखिए, सहायता करने के लिए हृदय यदि पिघले ना तो क्या दया की? तो दया और मुदिता मम पद प्रीति अमाया, ये संत लोगों का एक लक्षण है, बड़ा बढ़िया लक्षण है। मुदिता, मुदिता का मतलब है प्रसन्न चित्त है। हाँ, कभी भी उनकी प्रसन्नता खंडित नहीं होती है, मौज में रहते हैं, मजे में रहते हैं। देखिए, जितना जितना अंतःकरण निर्मल होगा ना, उतना उतना अंतःकरण प्रसन्न होगा। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, यावत यावत, जितना जितना चित्त की अशुद्धि खत्म होती जाती है तावत तावत उतनी मन की खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि अपने भीतर ही वो खुशी छिपी हुई है। ये अशुद्ध अंतकरण उस छिपी हुई खुशी को प्रकट नहीं होने देता, ये सिद्धांत है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब मटमेले गंदे पानी में दिखता नहीं, हालांकि वो वहां है, ऐसे ही आनंद है लेकिन मलिनता के कारण प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। लेकिन चूंकि ये संत है, इसने साधना के द्वारा अपने मन को चमकाया है, तो मुदिता प्रसन्नता है, खुश है। इसलिए संतों से मिलने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, वाह मजा आ गया, आज का दिन सार्थक हो गया, कहते हैं ना। तो मुदिता, फिर मम पद प्रीति अमाया, और भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरे चरणों में उनकी उनका जो प्रेम है वो कैसा है, अमाया निष्कपट, बिना किसी स्वार्थ के, हेतु के, कारण के मेरे से वो प्रेम करता है। प्रेम के बहाने और कुछ उसको चाहिए, प्रेम के बदले कुछ चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा एक से ये प्यारे ऐसे सुंदर लक्षण है। आगे बताते हैं कि वो संत कैसा है। विरति विवेक विनय विज्ञान बोध यथार्थ वेद पुराना दंभ मान मद करई न काऊ भूली न देहि कुमार गप्पा। उसके जीवन में वैराग्य है, विवेक है। अब ये तो हम वेदांत में खूब पढ़ते हैं, विवेक और वैराग्य चाहिए, नित्यानित्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक। फिर कहते हैं वैराग्य इहा मुत्रार्थ फल भे भोग, विराग यहां और परलोक दोनों के भोगों में इच्छा राहित्यम, इच्छा न होना वैराग्य है। वैराग्य मतलब आनंद के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं करना, बिल्कुल जो क्या है स्वतंत्र है, विषय निरपेक्ष है, तो विरक्त, विषय हो न हो उसके आनंद में कोई कमी नहीं आती, विरक्त व्यक्ति कर पाता है। वो विरक्त व्यक्ति का एक लक्षण बताया कि वो निर्भय होता है, कहीं भी जाने में डरता नहीं है। वैराग्य में वा भयम, जहां राग होता है देखिए तो वो रागास्पद वस्तु के टूटने की भीति डर होता है, टूट जाएगा, फूट जाएगा, कोई लूट ले जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा, और यदि वो वस्तु चुरा ली गई तो मेरा आनंद भी चुरा लिया, वस्तु टूट गई तो मेरा आनंद टूट गया। तो ये विरक्त है, इसका आनंद किसी बाह्य वस्तु पर है ही नहीं। तो विरति, फिर विवेक, वैराग्य कैसे आया है, क्योंकि उसने विचार किया है, विचार का फल वैराग्य होता है।
इसलिए विवेक चुड़ावणी में शंकराचार्य स्पष्ट बोलते हैं, ये विवेक और वैराग्य के बिना ज्ञान सफल नहीं होता। ये पक्षी के दो पंख है, विवेक और वैराग्य उस साधक की साधना में एक वेग लाते हैं, गति लाते हैं, नहीं तो उसकी गति होती नहीं है। मन यहां फंसा हुआ है, धसा हुआ है, अटका हुआ है, भटका हुआ है, तो वैराग्य बुद्धि में जो है समझ होनी चाहिए, सत्य क्या असत्य क्या, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। तो इस तरह दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी है, विवेक वैराग्य, और साथ में विनय विज्ञाना, विनय ही है संत, विद्या उसके पास है, विवेक है। प्राय विवेक या विद्या क्या कर देती है, अभिमान को बढ़ा देती है, लेकिन ये बड़ा सावधान है, इसलिए विनय है, नम्र है। जितना जितना वो ज्ञान प्राप्त करता है झुक जाता है, जैसे पेड़ में जितने फल लगते हैं, जैसे जैसे फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती है। और बोध जत विज्ञान, विज्ञान मतलब परमात्म तत्व का उसको अनुभव है, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, इसलिए आगे तुरंत विद्या, बोध यथार्थ वेद पुराना, यथार्थ वेद उसको यथार्थ बोध है, जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा उसको है। उसका ज्ञान जो है राग द्वेष से लिपटा हुआ नहीं है, जैसा होना चाहिए यथार्थ। हम लोग प्रायः, हम लोगों का ज्ञान कैसा होता है, नोशनल होता है, नोशनल मतलब कुछ ना कुछ उसमें लगा हुआ होता है रंग, जैसी वस्तु वैसी नहीं। लाल चश्मा है तो लाल दिखेगी, पीला है तो पीला दिखेगा, ऐसे ही सबके दृष्टि में सबके अंतकरण में कुछ कुछ दोष है, उन दोष से युक्त होकर हम देखते हैं तो हमको वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती, ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाते। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं तो यथार्थ यथार्थ है। और वेद पुराणाम, वेद पुराण का उसको ज्ञान है और अनुभव भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो गधा होता है उस गधे के पीठ पे चंदन की यदि आप ईंटें रख दिए जाए, चंदन की लकड़ी रख दी जाए, तो उसको केवल वो भार का ही अनुभव होगा, चंदन का उसको कोई अनुभव नहीं होगा कि ये बड़ी कीमती चीज है, ये उसके लिए उसको ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए वो लकड़ी मतलब भार। ऐसे ही जो लोग केवल पुस्तकी पंडित होते हैं उनके लिए ये वेद वगैरह क्या भार है। तुकाराम महाराज जी ने कहा कि वेद का ज्ञान तो हम जानते हैं, बाकी लोग तो केवल भार ढोते हैं। वेदांत का अर्थ आमास ठावा ऐसा कहते हैं, इतरान्नी भार भावा। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पचा हुआ ज्ञान है। और फिर कहते हैं दंभ मान मद कर ही न काऊ, वो जो है दंभ मान, दंभ मतलब क्या, दिखावा है, जो नहीं है वो दिखा रहे हैं या जो है वो भी जरा ज्यादा करके दिखा रहे हैं, इस दंभ होता है हिपोक्रेसी, अभिमान ईगो ये तो है ही नहीं, दंभ भी नहीं है। दंभ मान मदान्विता, आसुरी संपत्ति के लोगों का वर्णन आता है 16वें अध्याय, तो दम्भी नहीं है, मद नहीं है। जब मद हो जाता है व्यक्ति को तो वो सारे धर्म मर्यादा सबको भूल जाता है। इसलिए संस्कृत में एक वाक्य है दृष्टम तृप्यति, जो दृष्ट मतलब रिष्टम नॉट दृष्टम, रिष्टम तृप्यति, जो बहुत मद से भरा हुआ होता है वो धर्मम अतिक्रामति, दर्प उसका बढ़ जाता है और धर्म का अतिक्रमण कर देता है। दर्प का अर्थ ये मद या नशा, जब बहुत व्यक्ति दर्प से भरा होता है मद से तो वो धर्मम अतिक्रामति, धर्म का अतिक्रमण कर देता है।
तो यहां कहते हैं ये व्यक्ति तो दंभ मद मान इनसे बहुत दूर है, सरल है, विनयी है, निराभिमानी है, अहंकार तो स्पर्श ही नहीं किया है, अहंकार का बिल्कुल स्पर्श नहीं, गंध नहीं है। ज्ञान मान जहां एक हो ना है, गीता रामायण में आता ही है। और भूल ही न देहि कुमार्ग पाऊं, भूल कर भी ये कुमार्ग पर, गलत मार्ग पर पैर नहीं रखता, क्योंकि इसको पहले से ही इतनी आदत हो चुकी है, इतने वर्षों से वो साधना कर रहा है, तो उसने अपने मन को संभाला है, इंद्रियों को संभाला है, तो भूल कर भी वो गलती नहीं करता। इतनी शक्ति हमें देना दे दाता, उस भजन है ना, मन का विश्वास कमजोर होना, उसमें एक लाइन आती है कि भूल कर भी हम भूल ना। तो यहां लिखते हैं कुमार्ग पर वो पैर नहीं रखता, और आगे वर्णन है कि वो गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित मुनि सुनु साधु न कहि न सकै सारद श्रुति गावहि सुनहि। गाता भी है वो, अच्छा सुनता भी है, बोले क्या गाता है क्या सुनता है, भगवान कहते हैं मेरी लीलाओं को सुनता है और मेरी लीलाओं को ही गाता है, जो हम सुनेंगे वही गाएंगे। देखो जो व्यक्ति बहरा होता है वो प्राय गूंगा भी होता है, क्योंकि जिसने कभी शब्द सुने ही नहीं वो शब्द कैसे बोलेगा। जो शब्द हम सुनते हैं वो बोलते हैं, इसलिए कहते हैं भद्रम, आप बढ़िया बढ़िया सुनो तो अपने आप सहज ही अच्छे शब्द अपने से निकलेंगे मुख से। तो भगवान की लीला सुनता है तो लीला का फिर चिंतन भी करता है, और जो चिंतन करता है उसका ही फिर वो प्रवचन भी करता है, वचन बोलता है। तो गा वही सुनाई, ये रामचरितमानस में बार बार ये आता है, ये शब्द, ये दोनों शब्द बोले, जैसे रामचरितमानस को सुनता है और गाता है उसकी भक्ति बढ़ती है। तो गोस्वामी जी की इच्छा है कि दोनों हो, केवल सुने ना गाएं भी, और केवल गाते ही ना रहें, जब मौका मिले तो सुनिए। भगवान शंकर का उदाहरण कई बार हमने दिया है, वो राम कथा सुनते भी है, राम कथा गाते भी है। बड़े बड़े ऋषि लोग, यहां तक कि भगवान स्वयं स्वयं रामचंद्र जंगल में ऋषि मुनियों के मुख से पुराण सुनते हैं और कथा सुनते हैं और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। संत का ये स्वभाव है, भगवान का भी ये स्वभाव है, गावहि सुनहि सदा मम लीला, और हेतु रहित पर हित रतसी। संत का ये भी बड़ा सुंदर स्वभाव है, बिना किसी हेतु के कारण के क्या करता है, सदा वो परहित में लगा रहता है, प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता, बिना किसी उपकार की अपेक्षा की जो सतत क्या सेवा करता है, मदद करता है। प्रकृति में बिल्कुल यही है, सूर्य को आप नमस्कार करो या न करो वो प्रकाश देता है, नदी की पूजा करो या न करो नदी पानी देती है, पृथ्वी को प्रणाम करो या न करो पृथ्वी रहने के लिए जगह देती है, पेड़ की आप पूजा करो या न करो फल देता है। संत का भी बिल्कुल यही स्वभाव है, हेतु रहित, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, जैसे सूर्य में से प्रकाश निकलते रहता है सहज, ऐसे ही ये संत है, सर्वभूत हिते रता। और ऐसा नहीं कि जो उसका हित कर रहा है उसका ये हित करता है, ऐसा नहीं है। उपकारिषि युस साधु यो साधु साधुत्वे कस्य को युज्यते,
उपकार के बदले में कोई उपकार कर रहा है तो उसमें कोई साधुता नहीं हुई। अपकारेषु यः साधु, कोई अपकार कर रहा है फिर भी यदि किसी की मदद कर रहा है कोई, तो वो है असली साधु का लक्षण। तो यहां पर सेवा और मदद करने का जो गुण है उसका वर्णन हुआ। और अब अंत में कहते हैं, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकही सारद श्रुति देते। भगवान कहते हैं, अरे मुनि, हे मुनि सुनो, अब मैं कहाँ तक कहूं। ये संतों के लक्षण तो जितने भी बताए जाए वो कम ही है, यहां तक कि सरस्वती, शेष भगवान, वेद, ये भी कह नहीं सकते। इसलिए छंद में यहां लिखते हैं, कई सकन सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज कहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बार बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास रास, विहाई जे हरि रंग रहे, रावणारि जसु पावन गावहि सुनहिंगे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि राग जप जोग, दीप सिखा समझुवति तन मन जनि रोसि पतंग, भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग, सियावर राम चंद्र की जय, भवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भगवान कहते हैं। शेष शारदा नारद और बड़े बड़े ग्रंथ भी जिसका वर्णन कर नहीं सकते। तो उनके बारे में हमने, वैसे संत के कुछ लक्षण हमने आपको सुना दिए। ये लक्षण ऐसे होते हैं प्रसंग आने पर प्रकट होते हैं, एकदम सारे लक्षण बताए नहीं जा सकते, दिखाए नहीं जा सकते। जब कोई परिस्थिति आती है तो वो एक लक्षण प्रकट होता है, तब मालूम पड़ता है अरे संत में क्षमा है, संत में विवेक है। अब ऐसे कितने गुण उनमें छिपे हुए क्या मालूम। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं नारद जी से, अनंत गुण है। और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की बड़ी कृपा है कि नारद जी के लिए उन्होंने अपने मुख से संत के गुण सुना दिए। नारद जी ने शायद इसलिए सुनना चाहा क्योंकि उनको भी लोग संत कहते हैं, तो बोले यदि मुझको आदर्श संत बनना है तो क्या क्या मुझ में होने चाहिए जरा आप बताइए। तो भगवान ने ये सब सुना दिए। अब नारद जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, बार ही बार चरणनी सिरुनाई, बार 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 सिर झुका के प्रणाम करते हैं। अब ये अपने यहाँ पे परंपरा है, शिष्टाचार है, जब किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बोले धन्यवाद धन्यवाद। ये झुकना किसका प्रतीक है, बोले हम धन्य हो गए आज आपने कृपा पूर्वक ये सारे लक्षणों का वर्णन किया। और उसके बाद नारद जी चलते हैं और कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मपुर नारद गए। ब्रह्मपुर, नागपुर कानपुर रायपुर नहीं गए, ब्रह्मपुर, ब्रह्मलोक, ब्रह्मपुर का अर्थ ब्रह्मलोक। जैसे रघुवरपुर हनुमान चालीसा में आता है रघुवरपुर, तो उच्च लोक में वो तो विचरण करते हैं, कभी ब्रह्मलोक कभी वैकुंठ कभी साकेत कभी गोलोक। इस तरह से नारद जी वहां से चले हैं। तुलसीदास जी यहां अंत में लिखते हैं, ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। तुलसीदास जी कहते हैं वे पुरुष धन्य हैं जो सारी आशाओं को छोड़ के भगवान के रंग में रंग गए।
जैसे मीराबाई ने कहा ना, रंग दे चुनरी, रंग दे चुनरी, या अनुराग चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े साम रंग क्यों त्यों उज्जवल हो। शाम के रंग में जितने हम डूबते हैं उतने धवल हो जाते हैं, उज्जवल हो जाते हैं। राम रंग लागा हरि रंग लागा, मनुआ का सब भ्रम भागा। कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा भजन लिखा है। तो ये रंग लगना चाहिए। कृष्ण रंग भक्ति का रंग। तो बोले वो धन्य है जिनको ये रंग लग गया। और कहते हैं कि जो लोग, देखिए फिर आ गया यहाँ पर, गाव ही सुनही, जो भगवान राम के इस पवित्र चरित्र का, पवित्र यश का गान करेंगे, उनको सुनेंगे। देखो फलश्रुति क्या सुंदर दिए, जो भगवान के यश का गुणगान करेंगे और सुनेंगे, वो बिना वैराग्य जप योग के भक्ति को पा जाएंगे। और कैसी भक्ति? दृढ़ भक्ति। राम भगति दृढ़ पावही। बहुत बड़ा योग साधना करने की जरूरत नहीं, केवल सुनते रहिए, केवल गाते रहिए, बस ये दो ही साधना, गान और श्रवण। गोस्वामी जी यहां पे फलश्रुति बता दी कि उनके मन में ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाएगा कि फिर भगवान से वो एक रूप हो जाएंगे। और अंत में सावधान करते हैं, सावधानी का है दोहा है कि अरे जो साधक लोग, सावधान हो जाओ, ये पुरुष साधक के लिए कहा गया है कि जो स्त्री शरीर है उसके तुम पतंगे मत बन जाओ। जैसे आग जलती है, कोई दिया जो पतंग है उसमें इतना वो आसक्त तो हो जाता है, लुभा जाता है, उसमें वो कूद पड़ता है और खुद का ही क्या है, नाश कर ले जाता है। वो इतना उस रूप पे आकर्षित होता है। बोले ऐसे ही जो साधक है ऐसा न करें, इसके बजाय भजन करें। दीप सिखा सम युवती तना, मन जसी होई पतंग। ये मन को पतंगा मत बनाओ। मनसि विचिन्तय वारं वारं। रघुवंद शंकराचार्य जी कहते हैं, बोले भज ही राम तज काम मद करही सदा सत्संग। मन को संभालो, सत्संग करो, भजन करो, इससे जो है गिरने से बच जाओगे। इस तरह यहाँ पर ये अरण्य कांड की समाप्ति होती है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्तः। यहाँ पर ये तृतीय सोपान अरण्यकांड पूर्ण हुआ इस रामचरितमानस का। यह मानस कैसा है? तो सकल कलि कलुष विध्वंसिने, कलियुग का जो कलुष है उसका विध्वंस करने में ये ग्रंथ समर्थ है। कलिमल हरनि विषय रसफी की, इस कथा के बारे में आरती में हम लोग बोलते हैं, कलिमल का हरण करने वाली ऐसी ये कथा है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तो ऐसी इस कथा को हम सुनते रहें। अब अगले प्रवचन से हम किष्किंधा कांड का प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर भगवान का मिलन होता है भक्तराज, आदर्श भक्त श्री हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी का प्रवेश इस कांड में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।